नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुलदीप सिंह। चैनल का नाम है कुलदीप सिंह संस्कृतामृतम। हम नीति शतक पढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे इस पद्य में किसका जन्म धन्य है। इसके बारे में कवि ने बताया है, परिवर्तिनी संसारी मृतः को वा न जायते, स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम्। इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को वा न जायते, को यानी कौन, मृतः यानी मरता नहीं है, वा अथवा न जायते या फिर उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात कौन नहीं मरता और कौन मर के उत्पन्न नहीं होता। स जातो ये न जाते न, किंतु उत्पन्न होना उसी का सार्थक है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से, पैदा होने से याति वंशः समुन्नतिम्, जिससे उसका वंश उन्नति को प्राप्त होता हो। तो हमें अपने जन्म को सफल बनाना है तो अपने वंश अर्थात कुल को हमें उन्नति को प्राप्त कराना है और वह हम अपने अच्छे कार्यों से कर सकते हैं। अगला पद्य देखें, कुसुमस्त बकस्येव द्वयी वृत्ति मनस्विनः, मूर्धनि वा सर्वलोकस्य विसीर्यते वने अथवा। अथवा कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है, सीर्यते वन एव वा। कुसुमस्त बकस्य इव, अर्थात कुसुम के स्तबक अर्थात गुच्छे के समान द्वयी वृत्ति मनस्विनः है। कुसुम के यानी कि पुष्प के गुच्छ और मनस्वी पुरुष, इन दोनों की, इनकी दो ही गतियां होती हैं। द्वयी वृत्ति मनस्विनः है, फूलों के गुच्छे और मनस्वी पुरुष, इनकी दो वृत्तियां होती हैं। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, अर्थात या तो ये सर्वलोकस्य समस्त संसार के मूर्धनि अर्थात मस्तक पर रहते हैं, यानी कि वो अत्यधिक सम्मान को, श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, अथवा विसीर्यते वने अथवा, या फिर वो वन में ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात मनस्वी पुरुष और फूलों का गुच्छा, इनकी दो प्रकार की प्रकृति होती है, या तो वह वन में अर्थात एकाकी जीवन रहते हुए ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, व्यतीत कर देते हैं, या फिर वो संसार के मस्तक पर अर्थात श्रेष्ठ सम्मान वो प्राप्त करते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत जो पद्य है यह है, तेजस्वी लोग प्रायः कष्ट को प्राप्त होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति तेजस्वी होता है वह कष्टों को प्राप्त करता है और उसके जीवन में कष्ट, कठिनाइयां खूब आती हैं, फिर भी वे पुरुषार्थी होते हैं और उन्नति को ही प्राप्त होते हैं। संतेपि बृहस्पति प्रवृत्तय संभाविता पंचशः, तान प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते, द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ, भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषा कृतिः। संति अन्ये अपि, अन्य भी हैं, बृहस्पति प्रवृत्तय है, बृहस्पति इत्यादि, संभावितः पंचशाः, संभावित अर्थात सम्मानित, पंचशाः यानी पांच छः, ऐसे पांच छः और भी संभावित श्रेष्ठ ग्रह हैं, बृहस्पति इत्यादि, वो जो ब्रह्मांड में हैं। तान प्रति एष है विशेष विक्रम रुचिर राहुर न वैरायते, किंतु उनके प्रति विशेष पराक्रमी की
इच्छा रखने वाला, विशेष पराक्रम की इच्छा रखने वाला राहु उनसे वैर नहीं करता। राहु जो ग्रह है वह इन अन्य जो श्रेष्ठ सम्मानित और भी 5-6 ग्रह हैं, बृहस्पति इत्यादि, उनसे वह वैर नहीं करता, क्योंकि इसका यह पराक्रम में रुचि रखने वाला है, विशेष पराक्रम में रुचि रखता है। द्वावेव ग्रसते, इसलिए वह दो ही को ग्रसता है, दो ही वह ग्रहों को ग्रसता है। दिवाकर निशा प्राणेश्वर, दिवाकर यानी जो दिन को करता है, अर्थात दिन जिससे बनता है वह है सूर्य। निशा प्राणेश्वर, और निशा का जो प्राणेश्वर है, निशा अर्थात रात्रि, अर्थात रात्रि का जो ईश्वर चंद्रमा है, तो चंद्रमा और सूर्य इन दोनों को ही भास्वरूप यानी कि चमकने वाले इन दोनों ही ग्रहों को राहु ग्रसित करता है, इन्हीं पर ग्रहण वह लगाता है। और वो भी कब भी, भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्षावशेषा कृति, और वह भी कब, पर्वों पर, पर्व अर्थात चंद्रमा का पर्व है पूर्णिमा, तो वह पूर्णिमा को उसे ग्रहण लगाता है, उसको ग्रसता है। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, तो वह सूर्य को अपना ग्रास बनाता है। तो हे भ्राता, देखो हे भाई, इन दोनों ही प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा को यह अमावस्या और पूर्णिमा इन पर्वों पर वह ग्रसता है, क्योंकि वह विशेष विक्रम रुचि, विशेष पराक्रम में उसकी रुचि है। तो इस तरह से हमने देखा कि तेजस्वी लोग जो हैं वो प्रायः कष्ट को भोगते हैं। शीर्षावशेषाकृति ही इसका अर्थ है यहाँ, जो केवल शीर्ष अर्थात राहु का केवल मस्तक होता है, वह राहु केवल मस्तक मात्र अवशिष्ट होता हुआ भी ऐसे विशिष्ट ग्रहों को ग्रसित करता है। अगला हम देखेंगे जो पद्य है वह है कि महापुरुषों का चरित्र इसमें अकथनीय बताया गया है, बहुत ही महान चरित्र उनका है। वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां कमटपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधीनरा पयोधीरनादरात् अहमहतां निःसीमान चरित्रविभूतय। वहति भुवनश्रेणीं शेषः फणाफलकस्थितां, वहति भुवनश्रेणीं, भुवन यानी संसार की श्रेणी अर्थात श्रृंखला को, शेषनाग शेष है शेषनाग, फणाफलक स्थितां, अपनी फणा के फलक पर स्थित रखता है शेषनाग, अपने फणपटल पर स्थित भुवनों की, लोकों की पंक्ति को, श्रृंखला को धारण करता है। भुवन श्रेणी यहाँ ये तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इस तरह से 7 जो तल हैं उनको सबको वह धारण करता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इस तरह से ये 7 को वह भुवन श्रेणी को अपने फलक फण पर धारण करता है। कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा सहच धार्यते, और वह जो शेषनाग है वह कमठपति के द्वारा अर्थात कूर्म कच्छप के द्वारा अर्थात कच्छप राज के द्वारा सदा मध्य पृष्ठम, अपने मध्य पृष्ठ पर
सदा सहच धारियते वह धारण किया जाता है। शेषनाग को कौन धारण करता है? फिर कच्छप धारण करता है। तमपि कुरुते क्रोड़ाधीनम पयोधि अनादरात, और उसको भी अर्थात उस कच्छप को भी क्रोड़ाधीनम यानी अपने गोद में कुरुते कर लेता है, गोद में स्थान देता है पयोधि समुद्र अनादरात अर्थात बिना आयास के बिना किसी प्रयत्न के क्रोड़ाधीनम यानी अंकगत कर लेता है। अह है अरे महताम महान लोगों की निस्सीमान है चरित्र विभूतय है, उनके चरित्रों की जो उनकी कार्य जो संपदाएं हैं वो निस्सीमान है अपरिमित हैं अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं है, उनके शील गुण संपत्तियों की कोई सीमा नहीं होती। है यह बड़ा आश्चर्य है। अगला जो पद्य है वो कहता है कि आपत्ति में भी हमें स्वार्थी होकर अपने खुद के लोगों का परित्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात जब किसी परिवार पर कोई संकट आए तो हमें सबको मिलजुल कर उसका सामना करना चाहिए, न कि अपने जीवन की रक्षा का हेतु इधर उधर डरना चाहिए, डर करके भाग जाना चाहिए। ऐसा इसमें बताया है कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि हम डर के भाग जाएं, अभी तो हमारे स्वजनों के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। वरम पक्षच्छेदय समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारैरुद्गच्छत् बहुल दहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेषु नो रह विदरी क्लेश विवशे न चाशौ संपातः पयसि पयसां मृत्युरुचितः। अर्थात वरम पक्षच्छेदः, वरम पक्षच्छेदः ऐसा एक प्रसंग है कि जब पर्वत इधर उधर उड़ करके जाया करते थे उस समय उनके पंख हुआ करते थे। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि पर्वत पक्षी की भांति उड़ पाते थे, तो एक बार देवराज इंद्र ने और पर्वत इस तरह के उन्मुक्त हो गए थे कि वो कहीं भी किसी भी लोगों की बस्ती पर भी बैठ जाया करते थे उड़ करके, और वो बस्ती नष्ट हो जाया करती थी, लोग उनसे आतंकित थे। तो देवराज इंद्र ने उनके इस अभिमान को और इनके इस गुण को उड़ने वाले गुण को समाप्त करके इनके विरुद्ध अपने वज्र से इनके पंखों को काट दिया था। तो उसके बारे में बता रहे हैं वरम पक्षच्छेदः, वरम यानी श्रेष्ठ है, पक्षच्छेद है पक्षों का छेद करना अर्थात उनको कट जाना श्रेष्ठता। कौन? तुषार समद मघवन मुक्त कुलिश है, जो समद अर्थात गर्व से चूर इंद्र मघवन नाम है इंद्र का, मुक्त कुलिश है अर्थात इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के आघात से पंखों का कट जाना श्रेष्ठ था। वरम श्रेष्ठ, पक्षच्छेद पंखों का कट जाना किससे? समद मघवन मुक्त कुलिश है, जो गर्वोन्मुक्त इंद्र है उनके छोड़े गए उनके द्वारा छोड़े गए वज्र से पंखों का कट जाना श्रेष्ठ था। प्रहार ही कुलिश के प्रहार से, कुलिश यानी वज्र, वज्र के प्रहार से उद्गच्छत् बहुल दहनोद्गार गुरु भी ही, अर्थात उठती हुई आग की ज्वाला के कारण ऐसा ही है। प्रहारैर उद्गच्छत् बहुल दहनोद्गार गुरु भी, उठी हुई पर्वत की उठी हुई आग की ज्वाला के कारण ऐसा ही है। तुषाराद्रेह सुनो, तुषाराद्रेह तुषार अद्रेह यानी तुषार नाम है हिम का, अद्रेह यानी पर्वत का। तुषाराद्रेह सूनो, तुषाराद्री अर्थात जो हिमालय का पुत्र मैनाक जो पर्वत है उसके, अह है अरे पितरी क्लेश विवशे, पिता के
कष्ट में विवश होने पर भी न चासौ संपात है पैसी पैसा पत्युरुचित है, न च असौ संपात है उसका गिरना पयसी पयसाम पत्युहु। पयसी पयसाम पत्युहु का अर्थ है समुद्र में, जल में, जलों के स्वामी के जल में अर्थात समुद्र में उसका गिरना उचित नहीं था। ऐसा प्रसंग है कि जब इंद्र अपने वज्र से पर्वतों के पंख काटने के लिए उद्यत हुए तो वो हिमालय की ओर आए तो उनका जो पुत्र मैनाक था वह अपने पंखों को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए वह समुद्र में जाकर छिप गया था और हिमालय के पंख इंद्र ने काट दिए होंगे। ऐसा पयसी पयसाम पत्युरुचित है, न चासौ संपात है पयसी पयसाम पत्युरुचित है, समुद्र के जल के स्वामी समुद्र के अंदर जाकर के और गिर जाना यह श्रेष्ठ नहीं था, अपितु उसे यह श्रेष्ठ था कि वह अपने पंखों को ही हटा लेता। अगला पद्य देखें। यद चेतनोपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरनिकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। अचेतनोपि स्वापमानं न सहते, अचेतन भी अपने अपमान को नहीं सहन करता है। इसके बारे में फिर चेतन के लिए तो क्या कहा जाए, अर्थात बिना चेतना से युक्त व्यक्ति भी अपमान को सहन नहीं करता। यद अचेतनोपि पादैः स्पृष्टः है प्रज्वलति सवितुर इनकान्तः, इनकान्ति नाम की जो मणि है इनकान्तः वो सूर्य के पैरों से अर्थात उसकी किरणों से स्पर्श मात्र से जब पैरों से स्पर्श करने से वह अचेतन मणि भी जलने लग जाती है। तब तेजस्वी पुरुष है तो फिर तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान को कथम सहते, किस प्रकार से सहन कर सकता है, अर्थात उसे सहन नहीं करना चाहिए। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववताम न खलु वयसः तेजसो हेतु। सिंह का शिशु भी निपतति याना गिरता है मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, मद के से मलिन हुए कपोलों की भित्तियों वाले गज पर, ऐसे श्रेष्ठ गज पर मतवाले हाथी पर भी सिंह का शिशु भी गिर पड़ता है, प्रहार कर देता है। प्रकृति यम सत्पवताम, यही प्रकृति सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है। सत्पवताम यानी कि जो सत्ववान जो तेजस्वी हैं उनके बलशालियों की यह प्रकृति है। वय है यानी कि जो अवस्था है वह तेज से हेतु न, वह तेज का कारण नहीं, अर्थात अवस्था से इसका कोई आपस में वास्ता नहीं आता, अवस्था तेजस्विता के कारण नहीं होती है। आज हम इन्हीं पद्यों को पढ़ेंगे, अगली कक्षा में मैं पुनः अगले पद्य लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।